Hello friends, in this video I'll discuss about how to find score of a digit ending with 5 within seconds. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, suppose 25 का स्क्वायर निकालना है. ओके, तो कैसे निकालो? देन 35, देखो 25 का तो आपको याद होगा, यू कैन राइट 625. ओके, 35, देन आई राइट अबाउट 45, 55. ओके, स्क्वायर ऑफ 55, देन यू हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 65, देन स्क्वायर ऑफ 75, स्क्वायर ऑफ 85, स्क्वायर ऑफ 95, स्क्वायर ऑफ 125, स्क्वायर ऑफ 175, लाइक दैट. ओके, तो ईजिली आप कैसे स्क्वायर, कोई भी डिजिट है आपका, ओके, लेट एनी डिजिट, ओके, कोई भी डिजिट आप ले लो जिसका एंडिंग 5 होता है, उसका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है. वो मैं दिखाता हूँ आपको. ओके, सपोज इवन इफ यू आर टेकिंग फॉर 25, ओके, 25 का स्क्वायर, तो आप क्या करिए, सबसे पहले जो 5 है, ओके, लास्ट टू डिजिट, ओके, जो भी है, उसको क्या करो आप, सबसे पहले लास्ट डिजिट 5 को 5 का स्क्वायर करो, राइट, विल गेट 25. अब सेकंड क्या करना है कि 2 ये लिखा है, 2 से प्लस एन प्लस 1 कर लो, तो जो n डिजिट दिया, 2 दिया है, तो प्लस 1 कर लो, ये 3, तो 2 × 3, ये डिजिट कहाँ से आएगा, 2 × 3, 6, तो ये क्या आएगा ओवरऑल, 625. लाइक दैट 35 का क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25. अभी 3 हो गया, तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 4, 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12, तो 12 25. लाइक दैट 45 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करो, 5 का स्क्वायर करो 25. ओके, अब ये प्लेस कहाँ से आएगा, ये प्लेस 4 × 5, तो 4 + 1 5 हो जाएगा ना, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 4 + 5 × ये वैल्यू हो जाएगा 20 और 25, 2025 इसका स्क्वायर हो जाएगा. सपोज 55 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखिए यहाँ पे, और 5 × 6, 5 + 1 6, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30, तो 3025 इसका स्क्वायर हो गया. लाइक दैट 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर यू राइट 25, 6 प्लस 1 कितना, 7, 7 6 जा 42, 4 × 2, 25, 75 का निकालना है, तो क्या जा 25 अगेन, 7 प्लस 1 8, 8 7 जा 56, 5 6 2 5 इसका स्क्वायर आ गया. 85 का निकालना है, तो कैसे जाएगा, 25, 5 स्क्वायर 25, 8 + 8 × 8 + 1 9, 9 8 जा 72, 72 25. 95 का निकालना, तो कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 9 × 9 + 1 10, 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90, तो 9025 इसका स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 12 × 12 + 1 13, 12 × 13 कितना हो जाएगा, 156. ओके, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 125 का स्क्वायर. 175 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, देन 17 × 18, तो 17 × 18 कितना हो जाएगा, 306. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ईजली द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ अ नंबर हुज एंडिंग डिजिट इज 5. ओके, तो जिसका एंडिंग डिजिट कितना है, 5 आ रहा है, उसको इस मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो गाइज, होप दिस रियली हेल्प्स यू. एंड ये सारे ट्रिक्स आपको क्या करता है, कैलकुलेशंस, जब आप कैलकुलेशंस करते हो कम्प्लीट एग्जाम में, तो हेल्प करता है टू फास्टन योर स्पीड. जितना ज़्यादा आपका स्पीड होगा प्लस एक्यूरेसी होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप मोर नंबर ऑफ क्या करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. और कम्पिटेटिव एग्जाम में तो एक क्वेश्चन भी आप ज़्यादा सॉल्व करते हो ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. सो पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स, दे गेट टू नो द वैल्यू ऑफ यू नो द कैलकुलेशंस एंड द स्पीड. ओके, स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर. सो गाइज, थैंक यू सो मच. होप यू डू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब.